एक नए ट्रिप के बाद जो है तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे, जो है थोड़ा शरीर में पेन और बुखार की आशंका हो रही है। तो आज का ये वाला सीन हो गया है कि काफ़ी दिन से मैं जो हूँ कॉलेज नहीं गया हूँ, तो आज मेरा अचानक कॉलेज जाने का प्लान है। तो कॉलेज जा रहा हूँ क्योंकि अब काफ़ी छुट्टियाँ भी हो गई हैं, तो इन छुट्टियों के बाद कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं जा रहा हूँ सुमित और पवन के साथ, और उनको आपने पहले ब्लॉग में भी देख ही लिया है। तो यहाँ से कॉलेज के लिए निकलते हैं और देखते हैं कि कॉलेज में क्या सीन होता है। सर बैठने के लिए बोलते हैं या ऐसा बोलेंगे कि घर चला जाए, क्योंकि मैंने ड्रेस में खाली कमीज पहनी हुई है, बाकी बुखार की वजह से मैंने जो है थोड़ा हैवी कपड़े पहने, गर्म कपड़े, ताकि जो तबीयत है ना वो ठीक रहे। और मौसम भी थोड़ा ख़राब ही है, ऊपर तो बादल वगैरह सब लगे हुए हैं, तो ऐसे मौसम में जो है तबीयत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ता है। जो आपको सामने बादल दिखाई दे रहे हैं ना, ये बादल दरअसल श्रीनगर में ही उठते हैं और कुछ टाइम बाद ये जो है अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। सुबह सुबह बहुत सारे बादल लगे हुए हैं, ऊपर भी काफ़ी सारे बादल हैं। तो होता यही है ना कि जब ये बादल आते हैं तो क्या होता है कि धूप जो है लेट आती है। ये आज के ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं। आइए दोस्तों पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह काम में व्यस्त होंगे। क्योंकि स्वस्थ तो इसलिए बोला हूँ कि मैं स्वस्थ नहीं हूँ आज। मेरा बिल्कुल मन जो है ना ऐसा हो रखा है कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। कल रात को पता नहीं क्या हो गया, मतलब ऐसा लगा जैसे मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मतलब मेरा माइंड कुछ ज़्यादा ओवर ही ज़्यादा थिंकिंग कर रहा था, तो ये मुझे समझ नहीं आया क्यों हुआ अचानक और क्या ऐसा हुआ कि जिससे मतलब मेरा माइंड जो है ओवर थिंकिंग में चला गया था। दिन के जो है 12 बज चुके हैं और अब जो है यहाँ से रूम पे निकलते हैं। तो सुना है कि हमारे मकान मालिक ने मेरे लिए गाजर का हलवा बनाया है, तो यहाँ से ना उनके रूम पे चलते हैं सबसे पहले। मतलब हमारी जो मकान है वो पीछे है, उनके मकान आगे है, तो पहले उनके रूम पे जाके गाजर का हलवा खाते हैं, फिर जो है क्या करते हैं गाजर का हलवा खा के दिन का खाना बनाने की भी तैयारी करते हैं। और सुमित को भी कॉल करना है, सुमित को भी पूछना है कि वो घर आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले ऐसा करते हैं, कौन रहा है, सुमित को कॉल मिला हो, सुमित को पूछो कि आप घर चलते हैं, है ना। तो वो सब कुछ करते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए, यानी रूम जाने के। रूम पे गया था तो वहाँ पे देखा कि प्रतीक का जो है आज प्रैक्टिकल है, तो आज वहाँ पे खाना नहीं बना है और खाना बना है पवन भाई के रूम पे। तो मैंने उसे पूछा कि अगर तुझे खाना खाना तो चल ले हमारे साथ पवन भाई के रूम पे चल के खाना खाते, तो उसने मना कर दिया। उसने बोला कि मुझे लेट हो रही है कॉलेज जाने के लिए, तो अब जो है कॉलेज में जाएगा अपना जो भी होगा फिर वो वहाँ पर जाके ना अपना उसने बताना है कि मैंने क्या बनाया है। तो बोल रहा है कि मैडम को बोलूँगा कि कल जो है सबमिट करेगा। तो चलो मैंने कहा जो भी हेल्प होगी वो मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूंगा। तो अभी पवन भाई के रूम पे चलते हैं, वहाँ पे जाके ना खाना खाते हैं फिर दोबारा कॉलेज निकलते हैं। हम को जा रहे हैं मेगा के साथ घूमने, कहाँ घाट, और इसका प्लान है वो, हमारा कोई प्लान नहीं है। मुझे जाना था गोला, अपना सिम जो है पोर्ट करवाना था BSNL में, लेकिन इसने बोला घाट जाने वाले, तो हम ऐसा करेंगे गोला से होते हुए राम लीला जो मैदान है ना वहाँ से जाएंगे हम घाट में। वो वाला रास्ता तो मैं अभी देखा नहीं है, तो यहाँ से गोला से जाता है आगे, वहाँ से रामलीला ग्राउंड है। अरे सब रास्ता पता है मुझे, मैं जा रखी हूं। तुझे कुछ पता नहीं है, हाँ ये देखो चप्पा चप्पा। आज आज जो है आज मेगा की थोड़ा सा तारीफ हुई ना, तो मेगा अच्छे से तैयार होके आई है। मेगा ने मुझे बोला मैं हमेशा ऐसी रहती नहीं रहती, तो मुंह कभी नहीं धुला रहता था। आज मैंने मुंह नहीं धुला। हाँ तूने मुंह नहीं धुला ना, हाँ देखो बोल दिया उसने, अपना सच्चाई बता दी उसने कि मैं कभी मुंह नहीं धोती। और सबसे बड़ी बात कुछ भी बोला मेगा को हंसती रहती है, ये तेरी बहुत अच्छी आदत है। आई लाइक इट बचपन से। पीछे से गाड़ी आ रही है, BSNL यहाँ पे चल रहा है, BSNL का 4G का काम,
जो काफ़ी जोरों शोरों पर चल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा बी एस एल को 4G मिल गया, इसीलिए हम भी आज बी एस एल का सिम लेंगे क्योंकि 4G चाहिए। और ये तीनों आगे लगे हुए हैं रास्ते, वहाँ पे जो है अब हम जा रहे हैं घाट के साइड। और सुमित और मेघा पीछे क्या कर रहे हैं, सुमित जो है मेघा को सिखा रहा है ब्लॉगिंग करने के तरीके नुस्खे, कैसे सुमित बता रहा है कैसे एक दिन में आप अचीव करें 1K सब्सक्राइबर, है ना। और इस ऐप से मिलेंगे आपको इतनी फॉलोवर, इतने लाइक, इतना लाइक, इतने शेयर, इतने कमेंट्स। सुमित को ये ऐप कहाँ से मिला जरा जानने चाहते हैं सुमित। सुमित आ गया, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जल्दी आओ। VPN से आप जो मेगा को सिखा रहे हैं कि एक दिन में कैसे करें अपने 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट, ये ऐप आप कहाँ से, आपको कहाँ से मिला? ये हमारी स्किल है जो हमने खुद डेवलप। कहाँ से? माइंड से। घाट मुझे बहुत सोना दिख रहा है, वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी लेकिन आज बहुत कम भीड़ है। और मेगा क्या सामने क्या देख सकते हो? जहाँ पे चिताएं जलाई जाती हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तब तूने एक चिता देखी थी जलते हुए। मैंने यहाँ पे चिता जलते हुए देखी थी और मैं कंफ्यूज तो थी। मैं डर गई थी, मैं कंफ्यूज थी कि यहाँ पे लोग आग सेक रहे हैं या चिता जलाई जा रही है। कितनी बड़ी गलत फहमी थी मेघा को भाई साहब। मेघा अगर जस्ट अगर तो यहाँ पे छलांग लगा दे तो मैं कसम पानी से मुझे सबसे ज्यादा हम घाट के पास में घूमने आए थे और पीछे जो है सायरन बजना स्टार्ट हो गया, यानी जो है अब घाट से दूर जाने का समय हो चुका है। तो ऐसा करते हैं हम सबने जाना है गोला मार्केट, वहाँ पे थोड़ा BSNL के सिम के बारे में भी पूछते हैं। और पीछे सायरन का आवाज़ इतना ज़्यादा तेज है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे करते हैं यहाँ से अब जल्दी से निकलते हैं, उसके बाद गोला मार्केट की ओर चलते हैं और गोला मार्केट में जो है सिम के बारे में पूछते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कुछ मेगा और के कुछ शॉर्ट्स बनाए हैं, उन्हें शॉर्ट्स बनाने थे तो मैंने सोचा चलो शॉर्ट्स बना लेते हैं। तो उनके शॉर्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब यहाँ से निकलते हैं कहाँ के लिए, अब निकलते हैं यहाँ से गोला मार्केट के लिए। हम बीच से घूम के आ चुके हैं तो सबसे एक एक करके पूछेंगे कैसा लगा। अरे सुमित, सुमित तुम्हें कैसा लगा? कहाँ? नीचे रेत में जाके हमें जल्दी बता, जल्दी हमें अभी गोला डालना है। अच्छा गोला, हमें बहुत बढ़िया लगा, पानी बढ़ रहा था, सायरन की आवाज आ रही थी, नदी की तरंगें चल रही थी, बस हो गया हो गया, हमें अभी गोला जाना है। गोला गोला गोला, अब दूसरा, अब मेघा बताएगी। मेघा हाउ इज योर एक्सपीरियंस? मुझे लगा तो बहुत अच्छा वहाँ जाके, लेकिन लास्ट में इसने मुझे पानी में डुबा के मारने की कोशिश की है। कोशिश करी है? तो मैं तो थोड़ी घबराई हुई। तुम बच गए ना, वो कोशिश ना काम रही ना। ठीक है, आयु अगली बार घूमने जाओ या कहीं भी जाओ तो अपने साथ लड़की यार कोई नहीं ले जाना, इसलिए हर जगह में फोटो 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 करते, देखो अंधेरा कितना हो गया। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, ये है बोल दो सुमित में। हाँ बोल दे बोल दे। टिकटॉक पे मुझे ये इनको ना, ये इनको ना टिकटॉक का सुपरस्टार मान बना के मानेंगे, अभी बने नहीं है। अरे इंस्टाग्राम पे सामने गोला का व्यू देखो कितना तगड़ा लग रहा है। हाँ यहाँ पे मेन दिक्कत ये होगी कुछ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, मतलब क्या है वो ओमिक्रॉन, तो वो है उसके पॉजिटिव मिले हैं, जिस वजह से ना यहाँ पे आप भीड़ भाड़ कम होगी। रात तो ऐसा करते हैं यहाँ से ऊपर चलते हैं और वहाँ से घूम के जाएंगे हम आराम आराम से।